यूपी के सीतापुर में सोमवार सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक शख्स की लहूलुहान लाश उसके घर से ही कुछ दूरी पर मिली। मामले में तमाम तरह की आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं। वहीं सीओ सिटी अमन सिंह के साथ थाना प्रभारी अनिल सिंह महफोर्स मौके पर हैं, तफ्तीश की जा रही है। क्या पूरी जानकारी है इसको लेकर हमसे सीधे जुड़ चुके हैं आइडिया के खैराबाद संवाददाता धीरज शुक्ला जी। तो धीरज जी बताएं क्या पूरी जानकारी है। अरुणेश जी आपको बता दें कि खैराबाद थाना क्षेत्र के जमैयतपुर ग्राम सभा का मजरा है शिवलालपुर। यहाँ पर जो आबादी है वहाँ पर आबादी में सरकारी कॉलोनी लेकर के मुस्तकीम उर्फ तकीन पुत्र सुल्तान खां 32 वर्ष ये वहाँ पर अपनी पत्नी और छोटे भाई के साथ रहता है। इसके इसके चार बच्चे हैं और इसकी घर के 100 कदम की दूरी पर ही इसकी जो है इसका शव लहूलुहान अवस्था में मिला है। इसके सर पर चोट है, गर्दन पे निशान है, सर से खून बह रहा है और गर्दन पे भी चोट के निशान है। अनिल जी आपको बता दें कि इसका जो शव मिला है घर के 100 कदम की दूरी पर ही मिला है और अपने ये छोटे भाई के सुहेल के साथ रहता है। छोटे भाई का तलाक हो चुका है, छोटे भाई की एक बेटी 7 वर्ष की है और ये जो मुस्तकीम है ये लेवरी का काम करता है। ये गाड़ी पे जो मोरंग माल उतारने का काम होता है ये करता है और घर से काफी दिन तक दूर रहता। एक ग्रामीण ने ये भी बताया कि लगभग 3 माह से घर से बाहर रह रहा था और दीपावली के 2 दिन पहले ही घर पर ही आया हुआ है। जी बिल्कुल, ये काफी सनसनीखेज मामला निकल कर आ रहा है सीतापुर के थाना खैराबाद इलाके से, जहां गांव ग्राम सभा जमैयतपुर का मजरा पड़ता है शिवलालपुर। वहां पर मुस्कीम उर्फ तकीन पुत्र सुल्तान जिसकी उम्र 32 वर्ष बताई जा रही है उसका लहू लुहान सब उसके ही घर से लगभग 100 मीटर की दूरी पर बरामद हुआ है और जैसी जानकारी निकल कर आ रही है उसके 4 बच्चे हैं। वह अपने भाई सुहेल के साथ ही वहां पर रहता है और आपको बता दें मामले में कई तरह की आशंकाएं यहां पर व्यक्त की जा रही हैं। क्या वो आशंकाएं हैं धीरज जी, आप हमें जानकारी देंगे। अरुण जी आपको बता दें कि जो ग्रामीण हैं वो दबी जुबान में ये कह रहे हैं कि मुस्तकीम की हत्या घर के अंदर की गई है, क्योंकि ग्रामीणों का ये कहना है कि सबसे पहले सुहेल घर से निकल करके बाहर आया और ये चिल्लाने लगा कि मेरे भाई की हत्या हो गई। ग्रामीणों ने दबी जुबान में ये भी बताया कि सुहेल सबसे पहले घर के अंदर ही चिल्लाया, उसके बाद ये सुहेल बाहर आकर के जब सुहेल ही चिल्लाया है कि मेरे भाई की हत्या हो गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि जहां पर सुहेल का शव मिला लहूलुहान अवस्था में वहां पर सिर्फ सुहेल की चप्पल पड़ी हुई है कहीं और सुहेल का ब्लड बह रहा है लेकिन वहां पर किसी प्रकार का कोई निशान नहीं है, कोई चहलकदमी नहीं है। अगर सुहेल की हत्या उस घटना स्थल पे होती तो, क्योंकि सुहेल जो है आपको बता सकते हैं बॉडी बिल्डर है, हट्टा कट्टा है और सुहेल को ग्रामीणों का कहना है कि 2-3 आदमी 2-3 व्यक्ति मिल करके इसकी हत्या नहीं कर सकते हैं। सुहेल की हत्या घर के अंदर हुई है ग्रामीणों का कहना है। और वहीं एक बात ये भी है, सुहेल के 4 बच्चे हैं, सबनम 8 वर्ष है, बीना 7 वर्ष है, नजीम 6 वर्ष है और मुकीन 4 वर्ष है। वहीं सुहेल का जो भाई है मुस्तकीम का जो भाई है सुहेल उसकी एक बेटी है। मुस्तकीम के 4 बच्चे हैं, सबनम, बीना, नजीम और मुकीम। वहीं सबनम का ये कहना है कि जो सबनम बता रही है उसकी जो मुस्तकीम की बेटी है सबसे बड़ी बेटी है वो ये, उसका ये कहना है कि पिताजी ने रात में खाना खाया, खाना खाने के बाद 2 बार लेटरीन मम्मी के साथ बाहर आए। तिवारा में जब पिताजी को लेटरीन, पिताजी का पेट खराब हो, जब तिवारा पिताजी लेटरीन आए हैं तो मम्मी का पिताजी से झगड़ा हो गया और मम्मी जो है पिताजी के साथ नहीं आई। उसके बाद पिताजी फिर घर नहीं आए, सुबह सूचना मिली है कि पिताजी की हत्या हो गई है। ये जो है मुस्तकीम की बड़ी बेटी सबनम का कहना जो 8 वर्ष की है। जी बिल्कुल, शुरुआती आशंकाएं हैं, प्रथम दृष्टया जैसा शव मिला है और जो जानकारी इसमें निकल कर आ रही है कि सब लहूलुहान है और उस पर चोट के निशान पाए गए हैं तो हत्या की आशंका तो जताई ही जा रही है। लेकिन इस मामले में यह भी चर्चाएं की जा रही हैं ग्रामीणों के द्वारा कि जो मृतक है उसकी हत्या घर के भीतर ही की गई है। फिलहाल मामले की गंभीरता को देखते हुए सीओ सिटी अमन सिंह मौके पर हैं, इसके अलावा थाना प्रभारी अनिल सिंह महफोर्स मौके पर हैं। धीरज जी हम एक जानकारी आपसे चाहेंगे, क्या
वहाँ मौजूद किसी पुलिस अफसर से आपकी बातचीत हुई है, उनके द्वारा क्या कुछ कहा गया है? अरुण जी, आपको बता दें कि सीओ सिटी अमन सिंह हर एक बिंदु को पूरी गंभीरता के साथ देख रहे हैं, घर पे ध्यान रखे हुए, घर में जो घर की चहलकदमी है, घर के आसपास की चहलकदमी है, घटना स्थल पे जो हुआ है आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि जो पुलिस वाले हैं वो पास घटना स्थल के जो पास पड़ोस का खेत है, जो खाली स्थान पड़ा हुआ है, वहां पर छानबीन कर रहे हैं हर एक की, कोई अलाकत वहां पर तो नहीं छुपाया गया है, मारपीट के बाद कोई चीज ऐसी तो नहीं मिल जाए। लेकिन ग्रामीणों का जो है, ग्रामीण दबे जुबान में, खुले शब्दों में ये कह रहे हैं, दबी जुबान में भी कह रहे हैं, ग्रामीणों ने चुपचाप आपस में बात करते इंडिया की टीम ने सुना है कि जो है मुस्तकीम की हत्या घर के अंदर ही की गई है, और मुस्तकीम अपने छोटे भाई सुहेल के साथ घर पे रह रहा था। सुहेल की जो है कुछ साल पहले तलाक हो गई है, सुहेल की 7 साल की बेटी भी साथ ही में रह रही है। वहीं आई इंडिया की जो सीओ सिटी अमन सिंह है उनसे बात हुई तो सीओ सिटी अमन सिंह ने बताया है कि घटना के हर एक बिंदु को गंभीरता से देखा जा रहा है, जल्दबाजी में किसी बात का फैसला लेना उचित नहीं होगा, हर एक बिंदु को पूरी गंभीरता के साथ देखा जा रहा है और हर एक बिंदु को ध्यान में रखते हुए घटना का जल्द से जल्द खुलासा किया जाएगा। जी बिल्कुल, ये काफी सनसनीखेज मामला जो है सोमवार सुबह निकल कर आया है सीतापुर के थाना खैराबाद इलाके से, जिसमें एक शख्स का शव उसके ही घर से कुछ दूरी पर मिलता है। शख्स के शव पर जो है चोट के भी निशान है, आसपास खून, शरीर पर खून भी लगा हुआ है, चप्पलें उसके आसपास हैं। मामले में कई तरीके की आशंकाएं हैं, कोई प्रेम संबंधों की बात कर रहा है, कोई इस बात की आशंका जता रहा है कि इसकी हत्या जो है घर के भीतर ही की गई है। फिलहाल मामले में सीओ सिटी अमन सिंह के द्वारा जो जानकारी दी गई है, उन्होंने प्रथम दृष्टा ही पहली बार में ही इस बात को नकार दिया। उनका कहना है कि शुरुआती जांच के आधार पर किसी भी जो है परिणाम पर पहुंच जाना जल्दबाजी होगी, अभी मामले की जांच की जा रही है और इस मामले में आगे जो भी निकलेगा उसका खुलासा किया जाएगा। फिलहाल इंडिया इस मामले में अपनी पूरी नजर बनाए हुई है और आगे क्या कुछ निकल कर सामने आता है वह भी हम अपने दर्शकों को सबसे पहले व सबसे सटीक पहुंचाएंगे। तो इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद धीरज जी। आज 11 नवंबर को थाना खैराबाद पुलिस को प्रातः करीब 7:30 के मध्य ग्राम नयापुरवा मजरा जमैयतपुर से एक सूचना मिली कि इस गाँव के रहने वाले मुस्तकीम उम्र करीब 35 वर्ष का शव उसके घर से करीब 40 मीटर दूर एक खाली प्लॉट पर पड़ा हुआ है, जिसपे धारदार हथियार एवं डंडे आदि की चोट है। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस वरिष्ठ अधिकारीगण मौके पर आए हैं, फील्ड यूनिट की टीम भी मौके पर आई है। प्रारंभिक पूछताछ और रात्रि में घर पे मौजूद उसकी पत्नी, उसका छोटा भाई सुहेल और मृतक के सालिस के आपस में बयान लिए गए, जिसमें आपसी मतभिन्नता पाई गई है। इसके दृष्टिगत इनको अग्रिम पूछताछ के लिए थाने पर लाया गया है। यह उल्लेखनीय है कि हत्या में प्रयुक्त एक डंडा जिस पर मानव रक्त की पुष्टि हो गई है घर के अंदर ही एक बक्से में मिला है और इसको सबूत के तौर पे लिया गया है। इस प्रकरण में तहरीर प्राप्त करने की कार्रवाई प्रचलित है। सबका पंचायतनामा करा करके पोस्टमार्टम हेतु जिला अस्पताल के मॉर्चरी में भिजवा दिया गया है। मौके पर शांति एवं व्यवस्था की स्थिति कायम है। परिस्थितियों की गहनतापूर्वक जांच की जा रही है और सभी पहलुओं की जांच करके इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई पूर्ण की जाएगी।